छाता गोवर्धन मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। छाता गोवर्धन मार्ग पर प्रगति पब्लिक स्कूल के पास बस और बुलेरो की हुई भयंकर टक्कर। छाता गोवर्धन मार्ग पर हुई टक्कर के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बुलेरो छाता की तरफ से गोवर्धन की तरफ जा रही तेज गति से जा रही थी। जिस बुलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, बुलेरो में केवल ड्राइवर था और दूसरी तरफ से एंजल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल के लिए जा रही थी। बुलेरो में एक बाइक से बचने के लिए बुलेरो को दूसरी साइड लिया और बस से बड़ी भयंकर तेजी से टकरा गई। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि स्कूल बस में सवार किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोहरे के चलते हुए हादसे में बुलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं पर स्कूल बस का भी एक हिस्सा डैमेज हो गया। बुलेरो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे छाता के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ से परिजन उसे भरतपुर इलाज के लिए ले गए हैं। ये जो घटना हुई है इस रोड पर, कैसे कैसे हुई है और किस वाहन से ये घटना हुई है बताइए। भाई साहब, बुलेरो आ रही थी सामने से, उसने मोटरसाइकिल वाले से साइड ली है, उसने उसने बुलेरो वाले ने मोटरसाइकिल से साइड लिया आगे, उसने लेका मारा है, एकदम लेका मार के मेरी बस में आके लगा दी। तो जो 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 सामने जो बुलेरो थी, क्या वो बता रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट विभाग की बुलेरो थी, उत्तर प्रदेश सरकार की बुलेरो थी? हाँ, वो इसमें लिखी हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, तो जो उसके ड्राइवर हैं या उसमें कोई सवारी जो बैठी हुई थी, कोई अधिकारी बैठा हुआ था, क्या वो भी कोई क्षतिग्रस्त हुआ है या उनके कोई चोट ऐसी लगी है? नहीं भाई, ड्राइवर की चोट है और उसमें कोई नहीं था, खाली ड्राइवर था अकेला बस। ड्राइवर गाड़ी की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ड्राइवर उसमें फंस गया था, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, फंस गया था, हमने निकाला है, चार पांच इंसानों ने निकाल के जब हमने बस में भेजा है। अच्छा, मैंने खुद निकलवाया मैंने। तो आपकी जो स्कूल के इसमें जो बच्चे थे, विद्यालय के बच्चे, क्या उनको कोई चोट अभी तक कोई चोट ऐसी आई है या सब स्वस्थ हैं और स्वच्छ एकदम सही हैं? सर, बच्चे सुरक्षित हैं एकदम, बच्चे बच गए इतना, और मेरे चोट आई है खाली। कौन से स्कूल की बस है ये, कहाँ के लिए आप जा रहे थे और कहाँ से आप बच्चे लेकर आते हैं? मैं रहरा से बच्चे लेके आ रहा था, रनवारी से भी बच्चे लेता हूँ मैं, और एंजल स्कूल के लिए जा रहा था। एंजल स्कूल।